और जब रति ने जाकर के विनती की है कि प्रभु मेरे पति महाराज देखे, कौन पति महाराज, मैं कामदेव की नारी हूं, तो कामदेव तो जल गया, उसने मेरा निरादर किया, अपमान किया, वो तो भस्म हो गया, तो महाराज मैं कैसे रहूंगी, अरे बिना पति के मैं कैसे समय काटूंगी। तो सुन रति, तेरा पति अब अदृश्य रहेगा, दुनिया में दिखाई नहीं देगा, और शरीर धर के कब मिलेगा, तेरा पति शरीर से भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब, कितना लंबा वचन दिया है सती रति को शिव जी ने, तेरा पति शरीर से कब सब कब मिलेगा तब सब, कौन सी जब यदु वंश कृष्ण अवतारा, जब यदु वंश कृष्ण अवतारा, ओ हो के समय में जब कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण के और रुक्मिणी के यहां एक जो बेटा पैदा होगा वो तेरा पति कामदेव, इतना लंबा वचन दिया है। तो रति तो लौट गई और भोले बाबा ब्यागु तैयार, अब भाई तैयार, तो शिवजी ब्यागु तैयार रह गए, सब प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोले, और कल्याण पर शिकायत पहुंची, जब लड़का ने भजन गाओ तैसी तो जो कालीचरण फूफा नाचवे उठाड़े भाई और तैसी जाने बंद कर, तो बिन्ने कही कि बच्चों मैं तो मन की मन में ही रहेगी, तो चलो आज कर लो पे मन की पूरी, पर वो किस्सा जरूर सुलानो पड़े हो तुम्हें, माइक पे बुग्गी में बैठेगा इसो, चलो महाराज बेबे समाधि में तो जगू गए ना कि जल्दी कर लो अब, तो नाई और पंडित दोनों को बुलाया, विवाह बनवाया तो विवाह बनवाए काय को मालूम कौन से दिन को, देवठान को, सबसे प्रथम रीति रिवाज वैदिक पद्धति से विवाह हुआ तो शिवजी का, और शिवजी का विवाह बना देवठान का, 22 दिन तक परंपरा चल गई है, काऊ को ब्याह कबहू न बने तो वो देवठान को कर लिया, बिल्कुल ना बने, अब ब्याह की चिट्ठी लिखवाई, नाई और पंडित बुलाए, भैया चलो लगन पत्र का चढ़ाया हो, अब दोनों ने बड़ी भारी खुशी, अगर राजा ही लड़की को ब्याह हो भैया माल खूब मिले, जो चले वे लगन पत्र का लेके, और जास वक्त कैलाश पर्वत पर चढ़े, पंडित जी ने कही नाई दिखे रे कौन से काम में आए हो, लगन पत्रिका लेके कौन से काम में, नाई की तुम्हें ना मालूम जो झाड़ी रख रही का जय तो काम है, और जगह टीला पे बूढ़े महात्मा बैठे जय भरना है, और इनके पीछे जो डेढ़ सीम को बैल ठाणो है, भाई ये कार मान लो चाहे रथ मान लो, अरे भैया कहू ना छोरी को भाग्य बहुत दो, बिल्कुल कैसी सोने सी कन्या आई, नाई की महाराज हमें जा काम गुआ है ताकि चलो, पर मैं तो जी सुनिए जब ब्याह को बिचौलिया नारद है, जो भी आगे को बढ़ के गए आसन पर भोलेनाथ बैठे थे, चार कदम दूर रह गए, सुबह गर्दन में सांप ने लपेटा मार्ग जो फुसका दई, चार कदम उल्टे जाए पर पीछे, अब जब झाड़ दूर की कुत्ता ठाड़े भय तब पंडित ने कही ना आई थे, कहते यार का है कि तू तो नहीं उठा पे हंदी लगा ले सजा परना के तिलक कर यार, और मैं मंत्र मार रहा हूं चल, नाई ने जवाब दो पंडित जी क्या, अरे नाई बोला ब्राह्मण थी एक बात विप्र बोलू तो we'll be right back.
मरे हो को जो सांप राधी करो। एक बात बता राजी हूं कौन से मैं जागन वो सांप लपेटा दे रहे। महाराज एक बात बता राजी हूं तिलक करेंगे तो दो जने मरेंगे तो दो बचेंगे तो दो। बोले बाबा समझ गए एकदम पलक खोला सो गर्दन में तो सांप उतार के भुजा में लपेट लिया भुजा कहते अलग ले तिलक लगा दो अपना काटो। सो पंडित ने तिलक लगाओ बहुत जल्दी उल्टे सीधे चावर मार के ठीक है महाराज अब जाए अब ही ना रुक जाओ। राजा ने कुछ पूछवाई तो ना है हमारा जी पूछवाई कि बरात कितनी बड़ी आ गई। बोले नाथ की बरात में 33 करोड़ देवता आएंगे सब। पंडित जी ने कही नाई तो देख ले घुट पानी तो ना मिलो हम बरात कितनी छोटी बताई है ठीक है महाराज कह देंगे बच्ची बताओ इतनी जरूर कह दियो कि बरात बड़ी आवे तो नहीं व्यवस्था खाएवे की अच्छी करें ठीक है महाराज कह देंगे अब जाए। भोलेनाथ ने की भैया आज पहली बार तो मेरे ब्याह हो आज भी तुम देखो लड़का लड़की का बरना बरनी का जब विवाह पढ़ा जाता है मंडप के नीचे तो ब्याह शिवजी और पार्वती को ही पढ़ो जाता है। अब आऊ सो भोलेनाथ कह रहे हैं भैया पहली बार ब्याह हो और जे नाई पंडिता चिट्ठी लेके आए और अगर ये आज खाली हाथ लौटते हैं तो फिर कबू ना नहीं कोई दे आज तक परंपरा पच जावे। सो भोले बाबा ने की भैया रुक जाओ दोनों जने पे दक्षिणा ले जाओ। पंडित की नाई दी तू तो यूं कह रो मां कछु है ही ना है देख ले अब नंबर आएगा चारों लंग नजर करें कछु है ही सो नागेश्वर कुंड जल रहा था सामने सुबह कुंड में थे एक एक मुट्ठी भसम भरी ले दक्षिणा ले जाओ। अब नाई नू देख ली रेख भरी है और पंडित जी नू देख ली रेख भरी है पत्ताई कर सांप ने जीव निकाली सो डर के मन ना ये कौन ना करिए अंगोछा कर देगा लाभ डल ले जाए। हाँ जाओ भैया कह दियो बरात बड़ी आवे नहीं व्यवस्था अच्छी करें जो वे उतर के चले वह ऊंचे वह पर्वत बद पांव धर रखो सो एक आध किलोमीटर तो नीचे आगे रुक गए। पंडित जी ने कही नाई थी जी बता तेरे घर ते ही घर भाई रोटी ना करते हाँ करते तो फिर चूल्हे में आग यू करते हुई क्या हाँ करते तो फिर पागल रेख तो जी घर ही भर रही है सब अरे गांव में घुसते ही पूछेंगे भैया राजा ही लड़की की लगुन ले गए कहा मिलो कहा मिलो बार बार दिखानी पड़ेगी रेख अगर जी मिलो करा दा हम तो आए थे ऐसे ही ना आए तब नाई ने की महाराज अब यहां से अलग अलग है हम यहां से अलग है बिल्कुल और का बोले अरे ए नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है बोला ब्राह्मण थी और घर थी एक सब झूठी है और बाबा जी को कुत्ते सर कितना जर गई बूटी है महाराज जी चूल्हे भाई देखना है। अरे जो संत की तपस्या का फल है महाराज तुम्हारी राजी हो तो फैला दो हम तो फैलाएंगे। अरे नाई का विश्वास नहीं और ये अपने घर तू जाई रहे और सबई गांठ से तू खोली है फैला दे
जी फैलाए गए और नाई ने और कस के बांध ले गए और जो पे घर को गए दोनों तो सबसे पहले ब्राह्मण पहुंचे पहला और पंडित जी ऐसे चश्मा लग रो बुढ़ापे में जे कालीचरण भूबा बैठे गाए ऐसे ही बिल्कुल सेम तो जो दरवाजा पर खांसे सो भीतर तो कई बुआ ने आए गए तुम आए गए बगढ़िया खोला रो है काय की ये वो राजा की लड़की की लगन ले पा कैसे कछु मिलोना है मेरे भाई कह रही है खैरियत तुम्हारा जहां तक जिंदे आ गए ये काय है वो है वो बरना काय को है तुझे मान ले कहो बहुत पुराने जमाने को महात्मा है मैंने तो तेज सब नजर करी मूड़ पर सांप कान में सांप नार में सांप बाण में सांप पेड़ पे बीचू का चार डोले मैं हिलो को सुना तुझे मान लिया छोरिया तो भूकट मरनो ही मरनो है एक अजीब मिलो ना अरे और मिल गया गुरु रही अच्छी ना कह रही हमारी बच्ची का यही बहुत है लाग लो तो पानी भरला पंडितानी पानी दे रही है और तो तक ना ही पहुंच गो पे सो नाई ने भीतर तक रीते आयो कछु लाए ना हो तेरी किस्म जा ब्याह में ऐसो मिलो कबो ना मिलो भीतर आ जा काला है हो देख जे साधु की जड़ी बूटन की भसम जा ले जा बार खूटन पर डाल दे लवारन पर डाल दे भैंसन पर डाल दे अपू पर डाल दे मोह पर डाल दे बालकन पर डाल दे सब गरम फैला दे तू जिमा ले आप रोग धोक बीमारी हमारे घर कबू ये महाराज जी खूब बढ़िया करो जी चीज काम मिलती अरे रुपया तो रोज मिले हो ध्यान रखना तपेश्वरी संत का योग और ठहरा हुआ पानी इसकी कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है कोई था नहीं तो जैसे वो बंदी बनाई पुटरिया नाई ने नाइन के हाथ में दई ले जो संत की दुआ फैला दस वही घर में जो बान खोली आंगन में ध्यान रखना हुआ क्या है संत पर विश्वास करना होगा कैसे अरे लिखो बा और ईश्वर कोई हो ना कपड़ा की खोली गांठ से लगी रोए अरे भरे जाके घर आंगन पारी और बाहर कड़ी की जातु रोकी रहे छोरा और छोरी अरे बाहर कड़ी के जातु रोकी रहे छोरा और छोरी सोना बन गया बसमी में तो सोना बन गया और हाथ में तो सोना सरक रहा है अब बन रहा है लली बेटा तू ने बटरवाई है बल्ला दे लला तू ने कहते बटरवा दे और पे दोनों प्राणी बटोर रहे हैं और बाला अरे दे दे सालन तू पानी तुमने कुल्ला करी हो मैं बहला रही हूँ अब पंडितानी के पेट में चैन नहीं करोगे राजा ही लड़की के लगुन ले गए रीते लौटे सो पंडित तो कुल्ले ही करते रह गए तो तक वो नाई के घर को आए और बात जवाज दई और ही कतरिया बाहर निकलिए नान भीतर ते बोली चाची टाइम ना है तो तक वे भीतर आ गई आंगन में बहना चित के जा सोनो कहाँ आओ ये सब घर भर वो सोने थे चाची क्या बताऊं मैं लड़ाई पापा राजा ही लड़की की लगुन ले पा के गए सुबह बाबा जी ने ऐसी भसम दे दी है चाची सब घर में सोनो बने गए ए लला
वो भसम तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई चाची उन्हें उदई अरे बेटा पाई फैलाया है और जाकर बुआ ने स्पीड पकड़ी तो फिर मोई धोए पाए तो तक चमा उतार के दौल अरे सब विद्या दैया न जाय संत जत जान नाही पायो सब विद्या दैया न जाय संत जत जान नाही पायो सब विद्या दैया न जाय संत जत बार बार मैं पूछती तो मोती जो कहते हैं तो मालूम ना मैं काशी पढ़ूं काशी पढ़ क्या हूं और आज सब काशी की विद्या चूल में मटका दी नान को घर भर सोने तो मेरे पेट में आग लग रही है अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं आंगन में और उधर भोलेनाथ विचार करते हैं कि मेरे एक भक्त के ना खुशी और एक के ना गम है दोनों हाथ भसम रखना जितना सोना नाई के घर में था उतना ही ब्राह्मण के यहां पहुंचा दिया एक बराबर कर दिए इसलिए तो भगवान का नाम है समदर्शी समदर्शी नाम है उसका अब्यावाओ दिनवायो सब देवता तैयार है के और अपनी अपनी सवारी लेके बरात को आए सुनो सबसे पहले कई बार नंदी सुनने भोलेनाथ के प्रभु मैंने जो सुनी है तुमने ब्याह की हामी बताई है भोलेनाथ ने की भैया बता दई है तो फिर तुमने ब्याह की हामी बताई है त्याग घर कछु है कि भैया कछु ना है तो जावा दी तुम्हें कोई चिंता है जाके घर में ब्याह होता था कितनी चिंता होते है सब श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनना शिव जी का जवाब क्या है नंदीसुर मेरे घर में कछु ना है ताई की तो चिंता ना है और विचार करना चिंता होती कि नहीं ताई घरे कछु हो तो है जिनके घरे रकम और सोनो चांदी रुपया पैसा जितनो ज्यादा हो तो है उतनी रात को नींद कम आते हैं वो देखो तुम्हें सवे दिन रिक्शा चला तो है और रात को 10 बजे वह होटल में खानो खाए को चादरा ओढ़ के बाद रिक्शा ही बस होते है सवेरे 8 बजे जगह तो मैंने कभी गोली खाई है नींद की और जिनके ना फैक्ट्री में रुपया गिनवे पर मुनीम लग रहे हैं उन्हें रात को गोली खानी पड़ती तब तो नींद आते है चिंता मत करो हमारे यहाँ कछु ना ताई तो चिंता ना है अब देवता है जो सज सज के आए तब कहीं भोलेनाथ के चलो हो तैयार बरना बनो बोले बाबा की बरना और हम है ना हे महाराज निकाल ब्याह करने चल रहे हो तो कछु तो सजाओ तो चलो बरना बन जाओ हाँ तो आज भोलेनाथ बरना बने
ब्रह्मा जी ने की ऐसो कर लियो ने के सुन लियो भाई के बोलो अपनो तो तुम पे कछु है ना है के ना है तो फिर काऊ पे तो मांगी लियो पहले मांग क्यों ब्याह है जाते मांग लो भोलेनाथ जी भैया का मांग लू ऐसो करो और कछु मत मांगो तो तुम्हें मुकटू ही मांग लियो किनको के सब तिरादा सुंदर और मलूक मुकटवा विष्णु भगवान पे उन्हीं को मांग लो बात नहीं अच्छा चलो मांग लू पर पहले सब देवता जी सलाह करके बताओ मुकटा में मांग लू तो फिर लौटानो तो ना पड़े हो ये महाराज काऊ पर मांग के लाभ तो ची लौटा रहे ना शिवजी ने की तो चिंता मत करो लौटावे को झंझट हम ना पालत हम ऐसो मुकट पैर के जाएंगे सो हमारे ब्याह के बाद कोई दुनिया में कबू पैरे हो ही ना तब शिवजी ने श्रृंगार किया अपना लिख रहे गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या शिवाय शंभू गणा करें श्रृंगार श्रृंगार किया जटा का मुकुट बनाया सर्प का मोहर सर्प के कुंडल सर्प की फेंटा कटार शेर की छाल डाल ली कंधा पे और रेख लगाई ली शरीर बने गए वरना हाँ चलो भैया है गए तैयार देवता बोले ऐसे वरना के संग हम बराती बने के जाएंगे सो गांव ढेल ना मारे हो बोले ना तुम्हें भैया तय खूब राजी हो बरात को चलो और मन चलो पर भेज तो में हो जाइए जो इतनी बात कही सो सब बराती लौटे सब वापिस अब तुम मन में विचार करो कि काऊ को बरना तो निकरोसी है कि आ जा सड़क पे और बरात सब धोखो दे के पे घर को कैसे लगे हो भोलेनाथ की देवता बहुत बुरो को दो तुमने बहुत बुरा धोखो दो है अब चलो ब्याह तो हमें किले चले जाए तो है जावे हो लेकिन हमारे जिमात कह दे राजा के 33 करोड़ देवता आई है सब बरात में और राजा ने तो भोजन बनवा हो भोजन है को खावे बात तो नहीं बिगड़ी हेलो 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए 10-10 रुपए सभी साथियों के लिए